और संघर्ष यस शुरू में स्कूल में टीचर्स ने ये पैशन मेरे दिमाग में डाला था कि कुछ सरकारी अफसर बनना है। मेरे पिताजी भी मुझे वो सपना दिखा दे, क्योंकि उनको तहसीलदार मामलेदार या फौजदार उसको बोलते हैं, PSI को बोलते हैं, वो उनके दिमाग में था मैं IPS बनूंगा। ये तो बहुत बड़ा ड्रीम था एक फार्मर के बेटे को, ये तो बड़ा लक्ष्य होता है। लेकिन मेरे टीचर्स, खास करके मैं फिर इंग्लिश स्कूल में शिराणा में तालुका प्लेस में चला गया, तो वहाँ के टीचर्स ने कहा दो चीज़ें, दो संस्कृत भाषित है जो मैं बताना चाहूँगा। एक विद्वत्वंश नृपत्वंश नैवं तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्या बात है, यानी राजा और विद्वान दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। राजा का तो पूजन अपने राज्य में होता है, लेकिन जो विद्वान होता है पूरी दुनिया में पूजा जाता है। तो तब से मैंने वो सीखना कंटिन्यूस प्रोसेस मेरी जिंदगी में रखा है। मैं जब IPS बना तो सिर्फ BA था, IPS में आने के बाद एक्सटर्नल MA किया, नांदेड़ और लातूर में SP था तो मैंने वहाँ LLB नांदेड़ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से MBA कंप्लीट किया हैदराबाद की यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग, और लास्ट ईयर मैं LLM फर्स्ट ईयर औरंगाबाद से मैं यूनिवर्सिटी में टॉप किया हूँ। तो पढ़ाई जारी है। मेरा इतना ही कहना है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए। लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोसेस। किताबें अपने सबसे खास दोस्त हैं, बुक्स अदर फ्रेंड्स। तो वही है, संघर्ष तो चलता रहा है और आगे चलते रहेगी। लेकिन मैं पहले से सूर्य नमस्कार करता हूँ और प्राणायाम करता हूँ, उसका मुझे फायदा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन के लिए। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऐसी चीज है जो खास करके युवाओं के इस एज में, पर्टिकुलर ये एज में हर एक चमकने वाली चीज लगता है कि सोना है, वो शायद सोना नहीं होती, वो कांच होती है। वो कांच कब लगेगी और उसकी कभी कब जख्म होगी और उसका कब गैंग्रीन होगा और कब लाइफ खत्म हो जाएगा पता नहीं रहता है। तो बेसिकली बहुत संभल के 16वें वर्ष धोखा ऐसा कहते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, दैट एज इज वेरी क्रूशियल। उस एज में अगर अच्छे की आदत लगे तो बहुत अच्छा होता है, और बुरे की आदत अगर नशे में वो आदि हो जाता है 16 और 21 के बीच में, तो नशेड़ी हो जाता है कोई भी हो, उससे एडिक्शन से बाहर आना बहुत चैलेंजिंग रहता है, टफ रहता है। लेकिन जैसे शिवाजी महाराज का मैंने उदाहरण बताया कि 16वीं उम्र में उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की थी, तो बेसिकली ये एज में एक पैशनेट इनसाइड ड्राइव को हमें बरकरार रखना है। किसी भी हालत में वो जो आग है उसको बुझने नहीं देना है। सूरज और चांद हम ढूंढते रहेंगे, लेकिन आगे जो अंधेरा फैला है उसको आग लगा के, आग को अंदर ला के वो पैशन चालू रखना है कि मुझे कुछ बनना है, मेरा खुद का खुद की पहचान हो, उसके लिए मुझे आगे जाना है। जब तक सफल न हो चैन की नींद, त्यागो तुम संघर्षों का मैदान छोड़कर, मत भागो तुम कुछ किए बिना, जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। वो जो प्रयत्न है वो कोशिश है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इस उम्र में क्या प्रायोरिटीज अपनी है वो वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक मैंने टाइम मैनेजमेंट में मैंने पढ़ा था कि टू रियलाइज वैल्यू ऑफ वन ईयर आस्क द स्टूडेंट हु हैज फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन, to realize value of one month ask the mother who has given birth to a premature baby, to realize value of one week ask the editor who has 7 days to work on it, so to realize value of one day ask the daily wages laborer who has 6 kids to feed, to realize value of 1 hour ye shayad bachchon ko pata hoga, ask the lovers who are waiting to meet, to realize value of 1 second 1 minute ask the person who has missed his train, to realize value of 1 second ask the person who has missed his accident, and last is very important, to realize value of 1 millisecond ask the runner who has won silver medal in Olympics, for that fraction of second, for that fraction of second he has perspired, aspired, उसने जो मेहनत की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम अगर हम प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन करना सीखे तो सक्सेस अपने आप। टाइम इज एवरीथिंग। या या ओके वंडरफुल। एक छोटा सा सवाल, हाइपोथेसिस
अगर आपको आपके पास्ट लाइफ में, आपकी विगत की दुनिया में ईश्वर ये संधि दे कि विश्वास जी आप जो चाहें कोई एक चीज बदल सकते हैं अपने पास्ट में, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? मैं बदलना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ बदलना चाहूंगा। जो भगवान ने दिया है उसमें खुश हूं, और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा किसी करोड़पति के घर में जन्म होता, या मैं नहीं चाहता कि मुझे सब गॉड गिफ्टेड जैसे कि कोई अक्षय कुमार जैसी पर्सनालिटी मिलती, कोई नहीं चाहता हूं। तो मैं बदलना नहीं चाहता हूं, जो है वो एक्सेप्ट करना चाहता हूं। क्या बात, गॉड ग्रैंड मी द सीरेनिटी, God grant me the serenity to accept the things which I cannot change, courage to change the things which I can, and wisdom to know the difference. वो मुझे लगता है कि वो wisdom भगवान दे तो बहुत बड़ी चीज है। मैं कुछ बदलना नहीं चाहता, रहता हूँ, खुश हूँ।